दोस्तों आज हम अपने चारों तरफ बड़े बड़े एयरक्राफ्ट देखते हैं, प्लेन देखते हैं। इसकी जब आप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा। क्या आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले जो मनुष्य के लिए गुब्बारा उड़ा उसमें मनुष्य ना होके उसमें जो प्रयोग किया गया वो जानवरों को रख के किया गया। और साथ ही हम बात करेंगे कि जो राइट बंधु थे, जैसा कि हम सब जानते हैं प्लेन का आविष्कार करने वाले शख्स, उनकी साइकिल की दुकान थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम इस हिस्ट्री के साथ साथ हम बात करेंगे कैसे प्लेन का आविष्कार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो पर बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ शुरू करते हैं कि एरोप्लेन का जो आविष्कार है उसकी क्या कहानी थी। आप लोग जानते होंगे लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने सबसे पहले एक आकृति ड्रॉ की। आकृति में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो चीज़ होगी ये भविष्य की उड़ने वाली चीज़ होगी। जी हाँ, दो भाई थे, मैं राइट बंधु की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जोसेफ और एटियन। ये जो दो भाई थे इन्होंने एक बड़ा सा गुब्बारा बनाया। वो गुब्बारे में आग की हेल्प से, आग की लॉ की हेल्प से उसे उड़ाने का प्रयास किया और उड़ा भी। लेकिन इस उड़ाने के दौरान उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया वो जानवरों पे किया और वो गुब्बारा जाके पेड़ पे फंस गया। हालांकि उससे जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद ये दोनों भाइयों ने एक बहुत अच्छे तरीके से गुब्बारा बनाया जो बहुत अधिक ऊँचाई तक उड़ा। उन्होंने ये जो गुब्बारा बनाया वो बनाया 21 नवंबर 1783 को और उसी दिन उन्होंने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में उन्होंने 9 किलोमीटर ऊपर तक इस गुब्बारे को भेजा। तो इस तरीके से हमें एक जनरल आइडिया हो गया कि किस तरीके से कोई चीज़ को, कोई भारी चीज़ों को मनुष्य के साथ उड़ाया जा सकता है। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि मनुष्य ने बहुत साल पहले सोचा था कि कोई उड़ने वाली चीज़ आएगी, तो वो जो साबित हुई वो इसी टाइम पर हुई। तो चलिए अब हम बात करते हैं राइट बंधुओं की, जिन्होंने प्लेन का आविष्कार किया। जो राइट बंधु थे वो ग्लाइडर बनाते थे। सबसे पहले जो उन्होंने प्रयोग किया वो ग्लाइडर पे किया। ग्लाइडर पर उन्होंने पतवार लगाया, पतवार से ग्लाइडर का डायरेक्शन फिक्स हो सकता था। एक और ख़ास बात दोस्तों, ये जो राइट बंधु थे ये साइकिल की दुकान चलाते थे, मतलब इसी से पैसा आता था, तो इसी से वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक प्लेन रूपी स्ट्रक्चर बनाया जो कि उड़ सकता था। बात है 1903 की। 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने 12 हॉर्स पावर का एक इंजन बनाया जो कि उड़ सकता था। उसके बाद उन्होंने इस इंजन को चालू किया जिसकी अधिकतम गति 48 किलोमीटर पर आवर थी। इन्होंने उस प्लेन को 36 मीटर हाइट पर उड़ाया। तो एक तरह से ये सफल रहा, इसमें चार लोग बैठ सकते थे। तो एक तरह से ये शुरुआत है हमारे प्लेन बनने की। उसके बाद धीरे धीरे ये सभी देशों में स्प्रेड हुआ, फैला, और बाकी देश वालों ने भी कुछ कुछ चीज़ों में डेवलप किया, जैसे कि फ्रांस सबसे आगे रहा। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्लेन हर जगह आम लोगों के लिए ओपन होने लगा। सन 1948 में जो प्लेन की गति थी वो 100 किलोमीटर पर आवर तक थी। तो इस तरीके से दोस्तों प्लेन का जो आविष्कार की कहानी कुछ ये है। आई थिंक दोस्तों ये इंटरेस्टिंग बेस्ड वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैं वीडियो आप लोग के पास लाया करूंगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।